अगर तुम ये वरदान लेना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार सके और पूरे ब्रह्मांड में शायद उसका कोई सामना कर सके। हे नरपासुर, मैं तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक जागृत आग का गोला प्रदान करता हूँ। इस जागृत गोले के सामने जो भी मादा सबसे पहले आएगी, वही तुम्हारे पुत्र की माँ बनेगी। वाह प्रभु वाह, आपने तो मुझे मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान पाते ही रंभासुर जंगल की तरफ हुंकार भरता हुआ चला गया और उसके हुंकार से जंगल के सारे पशु पक्षी इधर से उधर भागने लगे। तभी भैंस उस जागरूक गोले के सामने आ जाती है और वह गर्भवती हो जाती है। तब उस बात को सहन नहीं कर पाया एक भैंसा, उसने रंभासुर पर जोरदार हमला किया और रंभासुर की मृत्यु हो जाती है। तभी पास से गुजर रहे कुछ दानवों ने रंभासुर को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया। तब जलते हुए चिता को देख कर गर्भवती भैंस ने सोची कि मैं पसंद के चिता पर जलकर मेरी सती हो जाऊं, और वह जलने लगी। और जलते हुए भैंस की पीठ को छूता हुआ शक्तिशाली असुर का जन्म होता है जिसका नाम था महिषासुर। समय बाद महिषासुर ने भगवान शिव की तपस्या की। स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर इंद्र का राज भी छीन लिया और तो और स्वर्ग लोक का राजा महिषासुर बन गया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। दासियों, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्वर्ग का राजा मैं हूं? बार इंद्र बाहर तो सच में स्वर्ग का राज भूल रखा था, अब इस राज को मैं भूलूंगा। तब स्वर्ग से बाहर इधर उधर भटक रहे सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान कर एक महाशक्तिशाली स्त्री का आविष्कार किया जिसका नाम था माँ शक्चंडी देवी। Yeah.
ऐसा सुनकर भगवान शिव का वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों में आतंक मचा रखा है। आप जाए और उसको मानकर सभी देव और मानव को उसके आतंक से मुक्ति दिलाए। जो आज्ञा कर दो। जब माँ शक्ति देवी ने एक विकराल इसकी मौत आई है जो मुझे लगा रही है।